ये आपका स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशन स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट और बिजनेस कोच। आज एक शक्तिशाली टॉपिक दूंगा आपको, ब्रांड लॉयल्टी, कस्टमर लॉयल्टी। बड़े बड़े ब्रांड्स, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक डिपार्टमेंट क्रिएट करती चली जा रही हैं। ये जो कस्टमर लॉयल्टी है ना, लॉयल्टी एक डिपार्टमेंट बन गया ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में। आपका अगर छोटा बिजनेस है, स्टार्टअप है या बड़ा करना चाहते हैं, आप इसको क्विकली शुरुआत में ही इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये लॉयल्टी क्या होता है? ये लॉयल्टी होता है एक बॉन्ड आपके और आपके कस्टमर के बीच में। ये जो बॉन्ड है ना, इसको याद रखिए। मैं सेटिस्फाइड नहीं मैं बोल रहा हूँ, ये लॉयल्टी सेटिस्फैक्शन, इसका मतलब कम है। सेटिस्फैक्शन जो होती है ना, वो रेटिंग होती है, रेटिंग है। ऑन स्केल ऑफ 1 to 10 कितने सेटिस्फाइड हैं? मैं 10 out of 10 सेटिस्फाइड हूँ, 9 out of 10 सेटिस्फाइड हूँ, 7 out of 10 सेटिस्फाइड। लेकिन सेटिस्फाइड कस्टमर किसी भी दिन किसी और के पास भी जा सकता है अगर उसको कोई सस्ता डिस्काउंटेड आइटम मिल जाए। एप्पल का कस्टमर जरूरी नहीं है सेटिस्फाइड हो एप्पल से, पर वो लॉयल है उसके साथ, उसको छोड़ के नहीं जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं? साउथ इंडिया में एमटीआर का एक कल्ट है साउथ इंडिया में। वो एमटीआर से सेटिस्फाइड है कि नहीं पता, लेकिन लॉयल है। हार्ले डेविडसन उसका जो कस्टमर है ना, वो पता नहीं कितना सेटिस्फाइड हार्ले डेविडसन, लेकिन लॉयल है। वो हार्ले डेविडसन छोड़ के हीरो मोटोकॉर्प नहीं चलाएगा। तो ये क्या है? लॉयल्टी इज एन इमोशन। लॉयल्टी एक वो शक्तिशाली इमोशन है जिसको स्ट्रैटेजिकली स्टेप बाय स्टेप बिल्ड किया जा सकता है। देखिए, आपसे बात कर रहा हूं, आप में भी वो दम है कि आप भी अपने कस्टमर को इतना लॉयल बना लो और वो स्टेप बाय स्टेप वो प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करो, कस्टमर आपको कभी छोड़ के ना जाए। चाहे डिस्काउंट मिले, चाहे उधार पे माल मिले, चाहे सस्ता कैसा भी माल मिले, वो आपको छोड़ के नहीं जाएगा। क्या करना चाहिए उसके लिए? एक लॉयल कस्टमर आपके बारे में, ही स्टार्ट स्प्रेडिंग वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग के द्वारा। एक लॉयल कस्टमर आपका कस्टमर नहीं है, वो तो आपका प्रमोटर बन जाता है। वो आपका एक अनपेड सेल्स के स्टाफ की तरह काम करता है, अनपेड प्रमोटर की तरह काम करता है। आप उसको पैसा नहीं देते, लेकिन फिर भी वो आपके नया कस्टमर एक्वायर करने में आपकी मदद करता है। लेकिन बहरहाल, अगर आपके पास रिपीट परचेज, रीपरचेज नहीं है और कस्टमर लॉयल नहीं है, नुकसान जानते हैं क्या उसका है? नया कस्टमर एक्वायर करना हमेशा 7 गुना महंगा पड़ता है, एग्जिस्टिंग कस्टमर को रिटेन करना 7 गुना सस्ता पड़ता है। ये एक नहीं, 50 यूनिवर्सिटीज के सर्वे में आ गया। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल तो यहां तक कह रहा है कि अगर आपके पास 5% कस्टमर टिक जाता है, तो अलग अलग बिजनेस के हिसाब से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी 25 से 95% तक बढ़ सकती है। जो किसी बिजनेस में 25% और किसी बिजनेस में 95%, केवल 5% कस्टमर को अगर आपने रोक के उसी को माल वापस भेजना शुरू कर दिया, यानी कि जो नया कस्टमर एक्वायर करने में जो मेहनत जाती है, आपने वीडियो देखा था कोक का, कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन, वो वीडियो देखा था? नहीं देखा, देख लीजिएगा। कोक का आपका बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। लॉयल्टी का जो फाउंडेशन है वो होता है ट्रस्ट, और ट्रस्ट का मतलब क्या है? विश्वास। जिधर विश्वास ट्रस्ट बहुत ज्यादा है, उधर लाइकलीहुड, लाइकलीनेस माल खरीदने की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आप अगर मान लीजिए पतंजलि का उदाहरण लीजिए, पतंजलि एक एक प्रोडक्ट के ब्रांड को नहीं बिल्ड कर रहा, वो एक अपने पेरेंट ब्रांड यानी कि पतंजलि के ब्रांड की लॉयल्टी क्रिएट करने के लिए बहुत मेहनत करता है। अब अगर आप पतंजलि के लॉयल कस्टमर हैं, आपकी बात कर रहा हूं, तो अगर पतंजलि कोई नया शरबत ले आया, कोई नया प्रकार का खाने का आइटम ले आया, कोई नया प्रकार का नूडल ले आया, चांसेस हैं आप खरीद लेंगे। लेकिन अगर वहीं छज्जूलाल गुप्ता इन सन्स कोई नया नूडल लेके आया, बोला छज्जूलाल गुप्ता नूडल्स, तो 100 में से 5% लोग ही वो छज्जूलाल गुप्ता नया नूडल ट्राई करेंगे। लेकिन अगर आप पतंजलि के लॉयल कस्टमर हैं, तो 70% लोग पतंजलि का नया नूडल ट्राई कर लेंगे। ये क्या है? लॉयल्टी के कारण रिपीट और रीपरचेज अपने आप बढ़ती है। लॉयल कस्टमर आपकी ब्रांड इक्विटी को बढ़ा देता है। देखिए एग्जाम्पल, फ्रेंड रेफरेंस वर्सेज फैंसी एंडोर्समेंट, फ्रेंड का रेफरेंस और फैंसी एंडोर्समेंट। हाँ, अमिताभ बच्चन कितना ही बोल दे ठंडा ठंडा कूल कूल के लगाओ नवरत्न तेल, लेकिन अगर आपका दोस्त आपको बोल दे यार ये तेल तेरे को ट्राई करना चाहिए, ए मैंने किया, एक तो मेरा हेयर फॉल रुका, सफेद बाल नहीं हो रहे, और यार वास्तव में मतलब ठंडा कर देता है दिमाग को, मतलब अच्छी। फ्रेंड का रेफरेंस अमिताभ बच्चन से ज्यादा काम आएगा। क्या होता है, ये जो लॉयल्टी है ना, इससे आपका ब्रांड अवेयरनेस, कस्टमर एंगेजमेंट और प्रॉस्पेक्ट जनरेशन, ये 3 चीजें अपने आप अच्छी होने लग जाती हैं। ये प्रोडक्ट फैक्ट्री में बनता है, लेकिन ब्रांड दिल में बनता है, और वो जो दिल का एक्सपीरियंस है, लोग एक दूसरे को शेयर करने लग जाते हैं। ग्लू की तरह, एक चुंबक की तरह, एक गोंद की तरह चिपक जाता है। लॉयल कस्टमर का आपके जीवन में फीडबैक और फोरकास्ट में बहुत बड़ा रोल है। फीडबैक जितना अच्छा होना, उतना प्रिसाइज और एक्यूरेट फोरकास्ट कर सकते हैं अपने बिजनेस के विषय में, क्योंकि आपका कस्टमर है, आपको छोड़ेगा भी नहीं और फीडबैक भी देता रहेगा, और उसका फीडबैक सबसे अच्छा होता है। अब आप फोरकास्ट करना क्यों जरूरी है? आपके प्लानिंग, आपके प्रोडक्ट, आपके एक्सपेंसेस, आपकी रीच, आपके मार्केटिंग, आपको आपकी बजटिंग, आपका बहुत कुछ एक्यूरेसी
फोरकास्टिंग पर डिपेंड करता है। अब स्टारबक्स ने शुरू किया माई स्टारबक्स कॉफी आइडिया। वो जो माई स्टारबक्स आइडिया, उन्होंने कैंपेन लॉन्च किया अपने पोर्टल के ऊपर। उस पोर्टल पे उन्होंने कहा कि आप सजेशन, डिस्कशन, आइडिया, फीडबैक, अदर इनपुट्स सब कुछ दीजिए और उसके बेसिस पे आप बताइए कि स्टारबक्स में हमें क्या परिवर्तन लाने चाहिए। आप मिलके हमारे साथ अपने ही स्टारबक्स को बनाइए, माई स्टारबक्स। कम ऑन, क्या माई, हर एक को ये फीलिंग देने का कोशिश किया कि जैसा आप बोलेंगे स्टारबक्स वैसा ही बनेगा। अच्छा, वहां पे लोगों ने अपने फीडबैक, आइडिया, डिस्कशन, सजेशन, इनपुट सब कुछ दिया। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अब इसके ऊपर लाइक, कमेंट, शेयर, इनपुट का वैलिडेशन, तो इस पे और फर्दर एंगेजमेंट करिए। अब जिस आइडिया पे सबसे ज्यादा लाइक, सबसे ज्यादा कमेंट, सबसे ज्यादा वोट, सबसे ज्यादा शेयर, सबसे ज्यादा डिस्कशन जिस आइडिया पे होगा, उस आइडिया को हम इंप्लीमेंट करेंगे। सो ओवर अ पीरियड ऑफ फ्यू ईयर्स इन्होंने 300 अलग अलग प्रकार के आइडियाज वहां से उठा लिए। अच्छा, अब कस्टमर फील करता था, देखो मेरा आइडिया इंप्लीमेंट हुआ, देखो, और कस्टमर इन्वॉल्व हो जाता था। ये कस्टमर एंगेजमेंट लॉयल्टी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जितना एंगेज हो जाएगा ना, उतना लॉयल हो जाएगा। इससे स्टारबक्स तीन प्रकार के बड़े परिवर्तन लेके आया है, एक प्रोडक्ट आइडिया, एक एक्सपीरियंस आइडिया और इन्वॉल्वमेंट आइडिया। प्रोडक्ट आइडिया मतलब उन 300 आइडियाज में से कई आइडिया ऐसे थे जिससे वो अपने प्रोडक्ट को इंप्रूव कर सका। कैसा प्रकार का चॉकलेट चाहिए, कैसा स्किम्ड मिल्क चाहिए, किस प्रकार का टेस्ट, कैसा फ्रेग्रेंस, किस प्रकार के कप में, प्रोडक्ट को में कई तरह के इनोवेशन ला सका। एक्सपीरियंस अपने एम्बियंस में लेके आया, कस्टमर के टच पॉइंट्स में लेके आया, कस्टमर को महसूस कराया, अच्छा एक्सपीरियंस दिया, उसके साथ ऐसे लॉयल्टी प्रोग्राम्स, एंगेजमेंट्स बिल्ड किए और फाइनली एंगेजमेंट आइडियाज, इन्वॉल्वमेंट आइडियाज। तो ये स्टारबक्स ना इन तीन लेवल पे इंप्रूवमेंट लाने के कारण, आप जानते हैं वो सबसे अच्छा एक प्रीमियम सक्सेसफुल ब्रांड है दुनिया भर में स्टारबक्स। आपके मन में आ रहा होगा कि यार मैं भी करना चाहता हूं, मैं भी लॉयल्टी बिल्ड करना चाहता हूं, कैसे करूं। मैं कुछ स्टेप्स अभी देता हूं और फ्रेमवर्क्स और आइडियाज आपको अगले वीडियो में दे दूंगा। आप सोचते हैं केवल लीडरशिप फनल में, लेकिन इसका मैं सोच रहा हूं ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको यूट्यूब पे दे दूं, इसका अगला वीडियो भी जरूर देखिएगा। सबसे सिंपल तरीका क्या है, पॉइंट बेस्ड लॉयल्टी प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कर दीजिए। कितना भी सेल आदमी करता है, कुछ भी परचेज करता है, उसको पॉइंट्स देना शुरू करिए जिनको बाद में रिडीम कर सके, जिनका बाद में रिडेम्पशन किया जा सके। डेलॉइट रिटेल सर्वे के मुताबिक, डेलॉइट आप जानते हैं ना, ग्लोबल कंसल्टिंग कंपनी है, तो डेलॉइट के बारे में हम जानते ही हैं। रिटेल सर्वे में डेलॉइट ने बताया कि जो ब्रांड्स लॉयल्टी प्रोग्राम रन कर रहे हैं वो ब्रांड 88% ज्यादा प्रॉफिटेबल है। 88% दे आर मोर प्रॉफिटेबल। देखिए करना क्या है, आपका जो ऑनलाइन कन्वर्जन है और इन शॉप एक्सपीरियंस है, दोनों अच्छा हो जाएगा। ऑनलाइन कन्वर्जन मतलब आप अपना लॉयल्टी पॉइंट जो है ना वो ऑनलाइन भी इंटीग्रेट कर सकते हैं वेबसाइट पे, कि जितने जो भी आईडी बनाए वो आईडी से जितनी बारी भी परचेज हुई उसको पॉइंट दे दिया। दुकान पे आकर के परचेज करके गया तो भी वहां पे आपने, क्योंकि आपको ऑफ कोर्स ये वाइट का धंधा होता है, कैश के धंधे में नहीं कर सकते, आपको ये तो बड़ी बेसिक सी बात है, आपको पता ही है। तो जब आपकी ट्रांजेक्शन होगी तो उसके मोबाइल नंबर से, मोबाइल नंबर यूनिक होता है हर एक का, तो उससे उसकी आईडी के अंदर आप पॉइंट्स को जनरेट करके दे सकते हैं। सॉफ्टवेयर आते हैं, अगर आप चाहते हैं सॉफ्टवेयर पे भी मैं, किस प्रकार के सॉफ्टवेयर की आपको रिटेल में जरूरत हो, तो इस पर भी मैं किसी दिन एक वीडियो बनाऊंगा, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो इस प्रकार आप एक अपना इन शॉप एक्सपीरियंस और ऑनलाइन कन्वर्जन दोनों बिल्ड कर सकते हैं। अमेजॉन प्राइम ने किया, अमेजॉन प्राइम क्या है, अमेजॉन जो है ना ये डिजिटल वॉलमार्ट है, ई कॉमर्स का सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली वॉलमार्ट। अमेजॉन ने अपने अलग अलग कस्टमर्स को अलग अलग नीड के हिसाब से अमेजॉन प्राइम के अंदर हुक कर लिया। Amazon Prime चार प्रकार के कस्टमर्स के लिए बनाया गया है। एक उनके लिए जिनको शॉपिंग की आदत पड़ी हुई है, इनको इंपल्सिव शॉपिंग करना है, उनके लिए क्या बोला, आज तुम्हारी शिपिंग का कोई खर्चा नहीं है जी, कितने का माल खरीदो, कम खरीदो, ज्यादा खरीदो, आज शिपिंग फ्री है। तो वो कहता है कोई मिनिमम लिमिट तो है नहीं, ओए करा लो जी, शिपिंग का पैसा नहीं लगेगा। Amazon Prime एक उनके लिए भी काम करता है जिनको वैल्यू फॉर मनी दिमाग में चिपका हुआ है, सस्ता चाहिए, सस्ता चाहिए, सस्ता चाहिए, तो उसके लिए वो वैरायटी ऑफ एक्सक्लूसिव डील और डिस्काउंट लाता है जिससे उनका भी इंपल्सिव परचेज बढ़ता है। और एक ऐसे हैं जी, ओए होए मैं एक्सक्लूसिव आदमी हूं, मुझे एक्सक्लूसिव डील चाहिए। तो Amazon Prime अपने प्राइम मेंबर के लिए वो प्रोडक्ट पहले लॉन्च करता है, बाकियों को नहीं दिखाता। और चौथे इसी बात से खुश हैं कि Amazon Prime पे सारे Amazon Prime वीडियोज हमारे लिए फ्री हैं। वो नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार का
पूरी तरह तो कंपैरिजन शायद अभी नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन इसमें भी अमेज़न प्राइम वीडियो में इतना बड़ा कंटेंट का जो फैक्ट्री मिल जाता है कस्टमर को, चार अलग प्रकार के कस्टमर, चारों की अलग प्रकार की नीड, अमेज़न प्राइम लॉयल्टी के मामले में राजा बन गया है। जेट एयरवेज का फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम इस मामले में बड़ा पॉपुलर रहा है हमारे देश के अंदर। जेट एयरवेज का लॉयल्टी प्रोग्राम ये केस स्टडी बन चुका है, बड़ी सफलता का केस स्टडी है। जो उनका फ्रीक्वेंट फ्लायर है उसको वो पॉइंट्स और अलग अलग टीयर ऑफ कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, नीचे से लेकर के ऊपर तक। आपको एक्स्ट्रा बैगेज का लाउंज दे देंगे, आपको लाउंज का बिजनेस क्लास वाला लाउंज का एक्सेस इकोनॉमी में ही दे देंगे, आपको अर्ली चेक इन का बेनिफिट दे देंगे, आप मतलब कई तरह के बेनिफिट। ये टीयर कैटेगरी बनाई, इन कैटेगरीज को बोलते हैं ब्लू, ब्लू प्लस, सिल्वर, गोल्ड और एक्सक्लूसिव प्लैटिनम। ये अब कस्टमर के मन में रहता है कि जी मैं अपग्रेड करता जाऊँ। अब उसको टिकट लेनी है, दिल्ली से मुंबई ट्रैवल कर रहा है, बाकी सारी एयरलाइंस भी हैं, जेट भी है, तो पहले वो जेट में प्रेफर करेगा। क्यों? उसको पता है जेपी माइल्स मिलेंगे, ये प्रिविलेज माइल्स, क्योंकि इसका ना रिडेम्पशन आसान है, जेट इसका रिडेम्पशन करा देता है आपको। तो वो जेट जो कन्वीनियंस क्रिएट करके दे रहा है, तो लॉयल्टी, कस्टमर लॉयल होना चाहता है, अगर आप उसके लिए लॉयल्टी आसान कर दें, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कस्टमर लॉयल होना चाहता है, अगर उसके लिए लॉयल्टी थोड़ी आसान हो जाए, उसको उसका फायदा तुरंत इंस्टेंटली उसको, देखो मान लो अब मेरे को आप बोलो कि भाई 1.5 लाख रुपए का एसी खरीदो जिससे मैं आपको 1500 रुपए का चाइनीज हेयर ड्रायर फ्री दूंगा, कमाल हो गया। अगर मैं 1.5 लाख का एसी खरीद सकता हूं, तेरे 1500 के चाइनीज हेयर ड्रायर का मैं क्या करूंगा, मैं उस टाइप का कस्टमर ही नहीं हूं। तो आप उसको चीज ही वो दे रहे हो जो उसकी लॉयल्टी एक इमोशन है, आपको वो बॉन्ड बिल्ड करने के आइडियाज आने चाहिए। अच्छा, सोशल चैनल्स पे भी आजकल लॉयल्टी बिल्ड करने का जमाना बढ़ गया है, लिंक्डइन पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप, अलग अलग प्रकार से कैसे आप क्या अपने कस्टमर को इंसेंटिवाइज कर सकते हो सोशल एक्टिविटी करने के लिए उसको। स्टारबक्स ने शुरू किया था ये ट्वीट ऑफ कॉफी कैंपेन, ट्वीट ऑफ कॉफी, ऐसा मैंने एक रेस्टोरेंट में भी देखा था। एक रेस्टोरेंट में हम बैठे थे तो उसने कहा कि अगर सर आप इस रेस्टोरेंट की में सेल्फी खींच के अपने आप को टैग करके, लोकेशन टैग करके, रेस्टोरेंट का नाम डाल के अपने फेसबुक पर डाल दो तो हम आपको एक कप कॉफी फ्री देंगे। तो देखिए मुझे चेहरे पर थोड़ा मुस्कुराहट आए ये सोच के कि कितने अच्छे एक छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स भी इन आइडियाज को इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं। कस्टमर रेफरल प्रोग्राम शुरू करने के बारे में सोचा है कि आपने कभी? ये कस्टमर रेफरल प्रोग्राम एक ऐसा मीडियम है जिसमें आपकी जो फिक्स सैलरी है ना सेल्स स्टाफ की, वो कम हो जाती है, आपका ही लॉयल कस्टमर आपके लिए रेफरेंस लाके बिल्ड करके देता है। आप अपने कस्टमर को क्या बेनिफिट दे सकते हो रेफरेंस के लिए? ओला उबर ऐसा बहुत करता है, हाँ, ओला कहता है कि जी ऐप डाउनलोड करा दो, मैं आपका ओला वॉलेट मनी भर दूंगा, हाँ, फ्री राइड्स दूंगा, फ्री पॉइंट्स दूंगा। क्या आप ऐसा कुछ कर सकते हैं जिसमें कस्टमर आपके कस्टमर एक्विजिशन प्रोसेस के अंदर आपका पार्टनर बन जाए, नया कस्टमर जोड़ने के प्रोसेस में आपका पुराना कस्टमर आपका दोस्त बनके आपको नया कस्टमर जोड़ने में आपकी मदद करके दे? एक्चुअली ये ना, क्योंकि वो लॉयल कस्टमर है तो ये उसका आपको प्यार दिखाने का और आपको धन्यवाद करने का तरीका होता है, वो करना चाहता है ये क्योंकि वो, लेकिन क्या आपके पास वो प्लेटफॉर्म है? यकीन मानिए बहुत सारे कस्टमर आपके लिए बहुत कुछ करने को तैयार है, क्या आपके पास वो प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप उसको एंगेज करके और उससे आपका रिलेशन और बना, नया कस्टमर और जुड़ा? एक आपको अपना फेवरेट पॉइंट बता देता हूं, मुझको बड़ा पसंद है ये, एनालाइज विद डेटा एंड एंगेज विद इमोशन। ये इसमें दो हिस्से हैं, एनालाइज विद डेटा एंड एंगेज विद इमोशन। ये जो डेटा एनालिटिक्स है ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। आज के समय में डेटा राजा है। आपका छोटा बिजनेस है या बड़ा बिजनेस है, अपने पास CRM जरूर रखिए, अपने कस्टमर का डेटा जरूर तैयार करिए। डेटा तैयार करने से किस आदमी ने उसका फोन नंबर, उसका ईमेल एड्रेस, उसने क्या खरीदा, कब खरीदा, किस तारीख को खरीदा, कितने का खरीदा, उसके कुछ 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 इनपुट पॉइंट्स बना लीजिए। आप लीडरशिप फनल में आएंगे तो आपको हम और सिखाएंगे। पहले आप समझिए, यहां पे कम से कम वीडियो में समझिए कि डेटा को एनालाइज करिए और उस डेटा को एनालाइज करने के बाद उसको इमोशनली बाद में एंगेज करिए। मान लीजिए कुछ नहीं, देखिए आजकल ना HDFC बैंक्स ने ऐसा बहुत किया, बहुत सारे बैंक ऐसा करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट्स आ गए हैं। देखिए इलेक्ट्रॉनिक वर्चुअल असिस्टेंट्स आ गए, EVA बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वर्चुअल असिस्टेंट, चैटबॉट आपके साथ ऑटोमेटिकली आपके कस्टमर के साथ एंगेजमेंट बिल्ड कर देते हैं, आपकी फिजिकली वहां पे जरूरत ही नहीं है। अगर आपका पैथोलॉजिकल लैब है और आप ब्लड टेस्ट वगैरह करते हैं, सैंपल्स अगर जाके लेते हैं कस्टमर के घर से जाकर के लेके आते हैं, अगर आपके कस्टमर ने पिछले 3 महीने 6 महीने के अंदर हड्डियों का, अपने दिल का या अपनी किडनी का या अपने लंग्स का किसी का भी आपसे टेस्ट कराया है, आपको पता है ना आपके कस्टमर के बारे में, अब उसके लिए कुछ पीछे से कंटेंट उसको व्हाट्सएप पे भेजना शुरू करिए।
उसको मैसेज पे भेजना शुरू करिए। अगर उसने हार्ट का कराया है तो हार्ट के लिए उसको कुछ ऐसे आइडिया दीजिए जिससे उसका हार्ट आगे भी हेल्दी रहे। अगर उसने हड्डी को कराया है तो कुछ ऐसे फूड आइटम्स के बारे में बताइए जिससे उसका विटामिन डी हमेशा सुरक्षित रहे, बना रहे, बड़ा रहे, चलता रहे, क्योंकि उसका विटामिन डी शायद कम रहा होगा। किडनी का कराया है तो कुछ इसको ऐसे कंटेंट भेजिए उससे ना उसका आपका संबंध बन जाएगा, आपका रिश्ता बन जाएगा। वो सोचेगा यार मैंने ब्लड टेस्ट क्या कराया, ये तो मेरे माता पिता का रोल निभा रहा है, इतना प्यार दे रहा है, मेरा इतना ध्यान रख रहा है। कुछ ऐसा करिए कि डेटा को समझिए और इमोशनली एंगेज करिए, उसको उसके दिल को जोड़ने, लेकिन दिल से जोड़ने के लिए पहले कस्टमर को पहचानना पड़ेगा ना। अब पति पत्नी तो एक ही होते हैं, अब उनसे तो आप दिल से दिल जोड़ सकते हैं ना, आप जो जानते हैं आपकी पत्नी को क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है तो आप वैसे ही बात करते हैं। लेकिन कस्टमर इतने सारे कैसे जाने सर, अब ईजी है, अब किया जा सकता है, पहले इसकी प्रायोरिटी बनाइए। आइएगा लीडरशिप फनल में डिटेल में बताऊंगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और सुनिए, कुछ ऐसा एंटीसिपेटरी कॉन्टेंट भी बिल्ड करिए जिससे आपके कस्टमर की प्रॉब्लम के फ्री सोल्यूशन उसको कंटेंट के माध्यम से आप दे सकें। वो कंटेंट कई प्रकार से होता है, जैसे मैंने आपको व्हाट्सएप पे बताया, आजकल तो छोटे छोटे बिजनेस में भी व्हाट्सएप फॉर बिजनेस आ गया है। आप व्हाट्सएप फॉर बिजनेस के माध्यम से उसको आप समझिए कि आपके कस्टमर को किस कॉन्टेंट से, क्योंकि आप एक अथॉरिटी बन सकते हैं उसके लिए। जब भी उस संबंध में, जिस संबंध में आप बिजनेस करते हैं ना, जो काम करते हैं, अगर आप मोबाइल भी बेचते हैं, आपका मोबाइल रिटेल स्टोर भी है, तो भी उसको मोबाइल संबंधित जो प्रॉब्लम आ सकती है उसके लिए उसको कुछ कंटेंट थोड़े दिन तक तो कम से कम भेजते रहिए, एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट दीजिए उसको। ट्रांजैक्शनल बिजनेस वर्सेस डिलाइटफुल सरप्राइज, ये बड़े काम की चीज है। एक कस्टमर को ना माल दो पैसा लो, माल दो पैसा लो, ये जो है ना ये लंबा टिकता नहीं है, तो कस्टमर इसको भूल जाता है। लेकिन क्या आप उसके लिए एक अनएक्सपेक्टेड, एक डिलाइटफुल सरप्राइज क्रिएट कर सकते हो? उसके लिए एक ओमनी चैनल स्ट्रैटेजी बिल्ड करिए उसके साथ में। ये बड़ी काम की स्ट्रैटेजी है ओमनी चैनल स्ट्रैटेजी, अगर आप कहेंगे मुझे किसी दिन तो उस पर पूरा वीडियो भी बना दूंगा आपके लिए। ओमनी चैनल स्ट्रैटेजी में आप मान लीजिए आपके कस्टमर का बर्थडे है, तो आप उसको उसके बर्थडे के दिन अलग अलग चैनल से किस समय कौन सा बढ़िया टच पॉइंट है उसको वहां से टच कर दीजिए, चाहे उसको फोन कॉल के थ्रू, चाहे SMS के थ्रू, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू, चाहे अपने CRM में उसके लिए आपने कुछ एक ऐसा गिफ्ट डिस्काउंट कूपन ऐड कर दिया कि वो नेक्स्ट टाइम आए तो उसको उसका बेनिफिट मिल जाए। आप उसको केक भेजें, कोई स्कीम दें, उसके लिए कुछ ऐसा डिस्काउंट दे दें, या उसको कुछ ऐसा अलग फेवर कर दें। मेक, हाउ डू यू मेक हिम फील स्पेशल। बात यह है कि ये मैंने बताया ना, लॉयल्टी एक इमोशन है, मेक हिम फील स्पेशल। उसके मुंह से निकले अरे वाह, क्या निकले अरे वाह, ये जो अरे वाह की फीलिंग है, ये सोशल मीडिया, ऑनलाइन, फिजिकल स्टोर, CRM, बिग डेटा, मोबाइल, इन सब के बीच में आपका कस्टमर होना चाहिए। देखिए कब उसको कहां से टच करना, इसको बोलते हैं ओमनी चैनल स्ट्रैटेजी। कभी यहां से काम, कभी यहां से, कभी यहां से, कभी, ये एक चक्रव्यूह है। एक बार चक्रव्यू के अंदर अर्जुन का बेटा चला गया था ना, तो बाहर आने में दिक्कत हुई। ऐसा ही होना चाहिए आपके कस्टमर के साथ भी, चक्रव्यू के अंदर आपके आ जाए ओमनी चैनल स्ट्रैटेजी में तो बाहर ना निकल पाए, लॉयल होके एंगेज हो जाए। और हाँ, ध्यान रहे, ओमनी चैनल स्ट्रैटेजी के अंदर 80-20 रूल अप्लाई कर लीजिएगा। क्या होता है 80-20 रूल? 80% उसके साथ संबंध बनाने में मेहनत करें और 20% टाइम ही ऐसा करें कि उसे कोई माल बेचें। 10 में से 8 बार उसे संबंध बनाए, कुछ अच्छा मैसेज भेजें, कुछ रिलेशनशिप बिल्ड करें। इसको बोलते हैं गिव 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 गिव, 8 बारी गिव, फिर 2 बारी आस्क। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहले दो 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 मांगो, दो 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 मांगो, 4 बार देने के बाद 1 बार मांगो। इससे क्या 80-20 रिलेशनशिप में आपका कस्टमर चिढ़ेगा नहीं और संबंध बन जाएगा, उसको लगेगा ये तो रूटीन सी बात हो रही थी और इसमें ये इशारे इशारे में माल आपसे खरीद जाएगा। मेरा आपसे ये कमिटमेंट है कि जब भी आप मेरे चैनल पे आएंगे, आपको कभी भी आपका टाइम वेस्ट ना हो, पावरफुल शक्तिशाली वो वीडियोस मिले जिनको आप इंप्लीमेंट कर सके। मैंने लीडरशिप फनल भी एक्चुअली इसीलिए बनाया था। अब तो कई सैकड़ों हजारों सक्सेस की स्टोरीज हो गई है हमारे पास, कई एंटरप्रेन्योर आके अटेंड करके जा चुके हैं जिनको हमने हैंड होल्डिंग कराया, 5 दिन फिजिकल, 6 महीना डिजिटल। ये क्या आपने आज तक फोन नहीं किया, इस बोर्डलाइन नंबर पे फोन करिए, मैं आपसे कह रहा हूं। अगर आपने आज तक एक बार भी फोन नहीं किया, कम से कम अपने काउंसलर को फोन करके पूछिए कि लीडरशिप फनल आपकी मदद कैसे कर सकता है। हो सकता है ये आपको एक जे कर्व दे दे, एक नेक्स्ट लेवल का ग्रोथ दे दे। और दूसरा उपाय क्या है, लीडरशिप फनल दिल्ली मुंबई होता है, बाउंस बैक सीरीज का अगला इवेंट क्या आपके शहर के नजदीक हो रहा है? ये 4 घंटे का इवेंट है, वो 6 महीने का, जिसमें 5 दिन आप अटेंड करते हैं फिजिकली और 6 महीना हैंड होल्डिंग फोन पे हमारे कोच के साथ होता है आपका डिजिटली, जिसमें आपके पास सारे फ्रेमवर्क्स, स्ट्रैटेजी शीट्स, रिव्यू शीट्स आती हैं, आप उनको इंप्लीमेंट करते हैं। और बाउंस बैक का नंबर अलग है, यहां फोन करके पूछिए, वो हाई पावर मोटिवेशनल सेमिनार कहीं आपके शहर के नजदीक तो नहीं हो रहा? नीचे कॉमेंट बॉक्स में
आप मुझे बताते रहते हैं क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया लॉयल्टी का। इसके लिए मैं फॉर्मूला बेस्ड वीडियो एक और बनाऊंगा कि लॉयल्टी को इंप्लीमेंट कैसे किया जाए, और अगर कोई और भी प्रॉब्लम है तो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये एक रिश्ता बन गया मेरा आपसे, एक संबंध है कि नीचे आप मुझे अपनी प्रॉब्लम लिखते रहते हैं और मैं प्रयास करता रहता हूं। ये फ्री वीडियोस मैं डीवीडी बना के नहीं बेच रहा हूं आपको, फ्री वीडियो सॉल्यूशन के माध्यम से आपको यूट्यूब के माध्यम से देता ही रहूंगा। और लाइक करिए, मेरा उत्साह बढ़ता है, लाइक करके मेरा उत्साह जरूर बढ़ाइए अगर आपको वीडियो से मदद होती है। सब्सक्राइब करिए, आसपास दोस्तों को शेयर करिए ऐसे वीडियोस। ये शेयर करने से ना उनका माइंडसेट बदल जाता है, क्योंकि एजुकेशन इंपॉर्टेंट है सर, एंटरटेनमेंट नहीं इंपॉर्टेंट है। एंटरटेनमेंट तो बहुत कर लेंगे आप, लेकिन आपकी सफलता एजुकेशन से होगी। आप शेयर करिए दोस्तों को, उनसे पूछिए उनके फीडबैक, ब्रेनस्टॉर्म करिए, अपने एम्प्लॉयज को शेयर करिए, अपने बॉसेस को शेयर करिए, उनको बताइए, उनसे डिस्कस करिए कि कैसे ब्रेनस्टॉर्म करके इसको इंप्लीमेंट किया जाए। बेल आइकॉन हिट नहीं करेंगे तो अगला वीडियो आपसे मिस हो जाएगा। मेरे साथ हर बार जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।